हेलो शेरवानी। Hey, Ishan. Yep, yeah, again. हमने नाउन का बात कर लिया, वर्ब का बात कर लिया, पर्स ये प्रोनाउन का बात कर लिया। सो टुडे आई थिंक यू विल टॉक अबाउट जेंडर, नंबर एंड पर्सन एंड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एंड नाउन प्रोनाउन And person, अग्रीमेंट। yes. सो लॉट्स ऑफ हैवी वर्ड्स, यानी आई माई सेल्फ एम Yeah. कन्फ्यूज अबाउट ऑल दिस। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सेशन अ लॉट, लाइक यू नो काफी सिंप्लीफिकेशन होगा इससे। सो आई थिंक दिस शुड बी फन। जेंडर नंबर एंड पर्सन आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफी जो हमारे मिस्टेक्स हैं इन इंग्लिश राइटिंग एंड स्पीकिंग दे स्टेम फ्रॉम एन इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स एंड हाउ दे अप्लाई टू द लैंग्वेज और ग्रामर में कैसे यूज होता है, एंड स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द डिफरेंसेस जो है हिंदी और इंग्लिश में. सो वी लुक एट देम वन बाय वन. पर्सन इज योर रिलेशन टू द स्पीकर. हम ऐसा समझते हैं कि हर सेंटेंस जो है कोई बोल रहा है. जो बोल रहा है दैट इज फर्स्ट पर्सन आई एंड वी. जिसको बोला जा रहा है वो सेकेंड पर्सन है दैट इज यू. एंड एवरीबडी एल्स एवरीथिंग एल्स इज थर्ड पर्सन. अगर सेंटेंस में क्लियरली नहीं बोला गया है कि कौन बोल रहा है तो बी अज्यूम दैट आई एम द स्पीकर इन एवरी केस. देन नंबर इज कितने हैं, एक है कि एक से ज्यादा है. अगर एक है कोई भी नाउन तो दैट इज सिंगुलर. अगर एक से ज्यादा है तो प्लूरल. हिंदी में भी ऐसा ही है, एक है और एक से ज्यादा है. जेंडर इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि जब अगर हम लोग हिंदी वाले रूल्स लगाएंगे इंग्लिश में तो इट डज नॉट वर्क वेरी वेल इन दैट सेंस. तो नाउन मैस्कुलिन है, मेल है, फेमिनिन है, फीमेल है, कि न्यूट्रल जेंडर है या अदर है. इसमें क्या है कि इंग्लिश में कोई भी चीज विच इज नॉट लिविंग इट इज मोस्टली कंसिडर्ड एज अदर. उसको इट बोला जाता है. इट इज नॉट मैस्कुलिन, इट इज नॉट इदर. इवन विद इन लिविंग थिंग प्लांट्स और एनिमल्स को भी इट ही बोला जाता है. ही या शी बहुत कम ही हम लोग बोलते हैं. अगर अपना पालतू कुत्ता बिल्ली है तो उसके लिए ही शी बोलते हैं, क्योंकि उसको उतना स्पेसिफिक कैरेक्टर दिया जाता है. हम लोग प्लांट्स या एनिमल्स के लिए भी इट एंड दे ही यूज करते हैं, ही शी नहीं बोलते हैं. वेयर एज इन हिंदी एटलीस्ट एनिमल्स का तो है ही, देर इज अ जेंडर असाइन टू एवरी एनिमल. तो जा रही है, चूहा जा रहा है, तो बिल्ली इज फेमिनिन एंड चूहा इज मैस्कुलिन. बट इन इंग्लिश व्हेन वी से कैट इज नॉट शी एंड माउस इज नॉट ही, कैट एंड माउस बोथ आर इट. ये जो एक कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पे हिंदी से डिफर करता है, जो कि हम लोगों को ध्यान में रखना है गोइंग फॉरवर्ड. तो अगेन वी स्टार्ट विथ पर्सन. पर्सन इज द स्पीकर. आई एम द स्पीकर, सो आई एम इन फर्स्ट पर्सन. यू आर लिसनिंग टू व्हाट आई एम सेइंग. यू आर द सेकेंड पर्सन एंड अपार्ट फ्रॉम यू एंड आई, हम लोग दोनों को छोड़ के बाकी जितनी चीजें हैं, बाकी जितने लोग जो भी है आउट देयर इन द वर्ल्ड, दे आर ऑल इन द थर्ड पर्सन. अब हम नंबर जोड़ देते हैं. पर्सन इज क्या है, कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है और बाकी सब, और कितने लोग हैं, कितने लोग बोल रहे हैं, कितने लोग सुन रहे हैं और बाकी कितने हैं. तो जब हम नंबर जोड़ते हैं इसमें तो फर्स्ट पर्सन में दो हो सकता है, या तो एक है या एक से ज्यादा है. अगर एक है तो इट इज, अगर एक से ज्यादा है तो इट इज वी. सेकेंड पर्सन में अगर एक, इफ देर इज वन ऑफ यू देन यू. अगर मोर देन वन भी है तो भी यू ही बोलते हैं, और थोड़ा और स्पेसिफिक होने के लिए यू ऑल बोल सकते हैं. तो उससे पता चलता है कि एक से ज्यादा है. बट अगर आप सिर्फ यू भी बोलते हैं तो इट गोज फॉर बोथ. थर्ड पर्सन में कोई एक है, कोई एक पर्सन है, आदमी है, औरत है, तो उसके लिए हम ही या शी का यूज करते हैं. अगर और कुछ है, और कोई नहीं है और कुछ है, तो उसके लिए हम इट का यूज करते हैं.
अगर एक से ज्यादा वेदर पर्सन्स और थिंग्स जो भी है तो उसको हम दे यूज करते हैं। तो ये हमारा हो गया पर्सन और नंबर दोनों मिलके कैसे काम करते हैं एक साथ। अब इसमें आप पर्सन नंबर के साथ जेंडर भी जब मिला देते हैं तो आई एंड यू में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आई एंड यू जैसे थे, आई एंड वी, यू एंड यू ऑल वैसे ही रहेगा। थर्ड पर्सन में ही है कि अगर इफ इट इज वन मेल देन इट ही, इफ इट इज वन फीमेल देन इट इज शी, इफ इट इज वन थिंग देन इट, और अगर प्लूरल में है तो इट्स ऑल दे। सो बेसिकली बस थिंग्स नॉन लिविंग ही और शी में फर्क आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही फर्क आएगा ही और शी का जेंडर का। यस, ही शी एंड इट जो है वहीं पे हमको अपना क्लैरिटी रखना है कि किसके लिए क्या लगता है। हो गया। एंड आई जस्ट वांटेड टू रन थ्रू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग कि हाँ हाँ जस्ट वांटेड टू रन ना कि आई मैं वी हम हो गया, सेकंड पर्सन यू तुम लोग या तो प्लूरल लाइक यू नो एंड हाँ आप हाँ ही शी लाइक हाँ हिंदी ही शी वे इट्स हिंदी में क्या होता है कि जेंडर इज एक्सप्रेस्ड इन द वर्ब। वर्ब देख के पता चलता है कि सब्जेक्ट का जेंडर क्या है। तो अगर वह बात कर रहा है, बात कर रहा है जब बोलते हैं तो हमको पता चलता है कि इट्स अ मेल, और वह बात कर रही है तो इट्स अ फीमेल। हो गया। ऐसे हम लोग जेंडर पहचानते हैं हिंदी में थ्रू वर्ब। प्लूरल में वे हो गया ज्यादा ज्यादा। हाँ सही 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 ठीक। इसलिए आई थिंक कि मतलब कोई अगर इंग्लिश जानता है और हिंदी सीख रहा होगा तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम होता होगा क्योंकि उसको फिर वर्ब में जेंडर लगाना पड़ता है जो कि इसमें नहीं होता है। सही बात। इंग्लिश का जो वर्ब है उसमें हम लोग कभी जेंडर नहीं लगाते हैं, सिर्फ वर्ब देख के कभी पता नहीं चलता है कि सब्जेक्ट का जेंडर क्या है। ट्रू ट्रू ट्रू। सो दैट इज व्हाई यू नीड टू हैव सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, क्योंकि अग्रीमेंट नहीं होगा तो इधर उधर हो जाएगा। अग्रीमेंट क्या है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ये रूल है कि सब्जेक्ट और वर्ब का नंबर और पर्सन सेम होना चाहिए। नाउन प्रोनाउन अग्रीमेंट क्या है? नाउन प्रोनाउन अग्रीमेंट ये रूल है कि जो नाउन है और उसके जो प्रोनाउन लगा रहे हैं दोनों का नंबर पर्सन एंड जेंडर सेम होना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में जेंडर डज नॉट कम इन टू द पिक्चर क्योंकि वर्ब में जेंडर नहीं लगता। तो सब्जेक्ट का जो जेंडर है वो रहेगा, वर्ब के साथ अग्री करने के लिए जेंडर सोचने की जरूरत नहीं। जो वी जस्ट टॉक्ड अबाउट इट, जब हम देखते हैं दैट इज वेयर वी नीड टू कंसीडर कि उस नाउन का जेंडर क्या था और प्रोनाउन हमने करेक्ट जेंडर वाला लगाया। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वी विल सी सम एग्जांपल्स। ओके या ठीक है। तो एक हमारा एग्जाम्पल हुआ, फर्स्ट पर्सन लेंगे तो आई वॉच अ मूवी, मैं फिल्म देखती हूँ, मैं एक फिल्म देख रही हूँ। सब्जेक्ट इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, वर्ब इज वॉच देखना, दैट इज फर्स्ट पर्सन के साथ अप्रोप्रिएट है क्योंकि सिंगुलर है और फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म से टेंस का पता चलता है, बट टेंस वी आर नॉट डूइंग राइट नाउ तो हम टेंस को नहीं देखेंगे। तो आई के साथ मैं कर रहा है और एग्जाम्पल लेंगे सेकेंड पर्सन का, यू आर मेकिंग टी, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इज यू, यू सेकेंड पर्सन सिंगुलर में है। वर्ब क्या है? वर्ब इज आर मेकिंग, तो यू के साथ हमेशा आर लगता है कंटिन्यूअस टेंस में, सो इट इज अप्रोप्रिएट फॉर सेकेंड पर्सन। अगर हम यू इज मेकिंग टी कर देते तो वो गलत हो जाता।
यू एम मेकिंग टी करते हैं तो वो गलत हो जाता है. सेकेंड पर्सन के लिए आर इज अप्रोप्रिएट. आई थिंक वी हैव इन वन ऑफ आवर प्रीवियस वीडियो शोन दिस चार्ट की कौन सा एग्जैक्टली टेंस में कैसे लिखा जाता है. सो स्टूडेंट्स कैन रेफर टू दैट एंड इट विल बी वेरी क्लियर. आई फील दिस इज सॉर्ट ऑफ द की टू दोस टेबल्स यू नो वर्ब एंड जो नाउन प्रोनाउन वाला हमने बनाया था. दोस टू चार्ट्स इफ समबडी कैन फिगर आउट कि उसका क्या लॉजिक है देन हाफ ऑफ योर वर्क इज डन यू नो अंडरस्टैंडिंग ग्रामर. एब्सोल्युटली. थर्ड पर्सन का भी एग्जांपल ले लेते हैं. द फ्रिज इज हैवी. फ्रिज भारी है. सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इज द फ्रिज. थर्ड पर्सन सिंगुलर है. वर्ब इज इज. इज जो है तो बी वर्ब बोलते हैं. बी ई होना. उसका फर्स्ट पर्सन फॉर्म है, सिंगुलर है और थर्ड पर्सन के लिए अप्रोप्रिएट है. अब अगर द फ्रिज आर हैवी बोल देंगे तो फिर गलत हो जाएगा. फ्रिज सिंगुलर है, आर इज प्लूरल थर्ड पर्सन. राइट, वी विल लुक एट सम क्वेश्चंस एंड आई विल मे बी आस्क यू टू रिस्पॉन्ड. आई विल give you a sentence and I would like you to correct it. Absolutely. या आप ये बताएं कि उसमें क्या गलती है. हाँ, मैं करेक्ट कर लूंगा. मैं रूल नहीं बता पाऊंगा. मैं सो द फर्स्ट तो या या फेयर एनफ. या फेयर एनफ. सो द सेंटेंस इज ही गो टू वर्क. हाँ, सो लाइक या या सो इट शुड बी ही गोज टू वर्क बट आई कांट एग्जैक्टली टेल यू व्हाई इट इज सो एंड दैट्स व्हाई वी हैव यू हियर. या नो, यू आर राइट. यू आर राइट. इट शुड बी goes to work. Yeah. क्यों? क्योंकि subject is he, subject is third person singular. और third person में अगर हम go बोल रहे हैं तो verb is third person plural. क्योंकि go हम I के साथ use कर सकते हैं, you के साथ use कर सकते हैं singular में. third person में go singular नहीं होता है, plural होता है. Yeah, yeah. I go to work, you go to work. Yeah. Verb structure. I go to work. You go to work, but he goes to work. Yeah, absolutely. Yeah. So, isko we have to change it to goes, and you were absolutely right. That is what it should be. Yeah. Your next sentence is, they want a cup of coffee. हाँ, सो इसमें लाइक आई थिंक दिस इज द रिवर्स ऑफ द फर्स्ट वन. दे वांट अ कप ऑफ कॉफी. वही थी. हाँ हाँ या बट हाँ, क्यों है आप बताइए. आप कॉफी क्योंकि सब्जेक्ट इज दे. हाँ, सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन प्लूरल. या और वर्ब जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाता है इफ यू से वांट्स. या एंड दिस इज व्हाई द आईडिया ऑफ अग्रीमेंट इज कि नंबर एंड पर्सन बोथ शुड बी एज पर द सब्जेक्ट. राइट, तो इसमें दो चीजें याद रखने की हैं कि नंबर एंड पर्सन बोथ शुड मैच. कि नंबर ठीक है, पर्सन गलत है तो सेंटेंस गलत है. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. पर्सन ठीक है, नंबर गलत है तो भी गलत है. तो नंबर एंड पर्सन शुड बी ओके. द अदर थिंग टू रिमेम्बर इज कि इट इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एंड नॉट वर्ब सब्जेक्ट अग्रीमेंट. Okay. What does that mean? That means कि जब आप ऐसा corrections कर रहे हैं और ये काफी सारे exams में आते हैं, a lot of these competitive exams have questions like this in English कि sentence को correct कीजिए. तो जब आप correct करेंगे तो it will the verb to match the subject. इट्स वेरी इंस्टिंक्टिव आई गेस. हाँ हाँ, इतना एग्जाम एग्जाम लिख लिया हम लोगों ने. सो या कभी भी आपको सेंटेंस करेक्ट करना हो तो आप वर्ब को चेंज करेंगे ताकि वो सब्जेक्ट के हिसाब से ठीक हो जाए. एब्सोल्युटली. नॉर्मली आप सब्जेक्ट को चेंज नहीं करेंगे अनलेस क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलता है कि सब्जेक्ट को चेंज करो. या ऑफ कोर्स, वर्ब को नहीं चेंज करो. अदरवाइज यू विल ऑलवेज चेंज द वर्ब टू मैच द सब्जेक्ट व्हिच इज व्हाई वी कॉल इट सब्जेक्ट वर्ब. ठीक ठीक ठीक. राइट, so in our last and final sentence for you to correct, that is
यू एम टॉकिंग टू मी. हाँ राइट, आप मुझसे बात कर रहे हो. यू आर टॉकिंग टू मी या आई एम टॉकिंग. यू आर टॉकिंग टू मी एंड आई एम टॉकिंग टू यू. करेक्ट. जब हम कहते हैं यू एम टॉकिंग टू मी, देन द सब्जेक्ट इज यू विच इज सेकेंड पर्सन सिंगुलर. और जब हम एम लगा देते हैं तो एम इज वर्ब ओनली फॉर द फर्स्ट पर्सन, उसको हम सेकेंड पर्सन में नहीं यूज कर सकते. अगेन वी कीप द सब्जेक्ट यू को रहने देते हैं और वर्ब को बदल के एम से आर कर देते हैं सो दैट इट गेट्स करेक्टेड. ठीक, दिस इज हाउ वी लुक एट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. नाउन प्रोनाउन अग्रीमेंट का भी देख लीजिए. राइट, तो पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज कर. राइट, सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि चिल्ड्रन आर स्टडी. राइट, तो इसमें जो सब्जेक्ट है दैट इज चिल्ड्रन. अब चिल्ड्रन का हमको जेंडर नहीं पता है कि सारे लड़के हैं कि सारी लड़कियां हैं कि मिक्स्ड है. बट इट डज नॉट मैटर क्योंकि प्रोनाउन में ऑल प्लूरल थर्ड पर्सन इज दे. राइट, सो चिल्ड्रन की जगह पे हम दे लगा देते हैं, थर्ड पर्सन प्लूरल. राइट, एक और हम देखते हैं जिसमें दो नाउन्स हैं तो हम दोनों को चेंज करेंगे. राइट, द ब्राइड स्टूड नेक्स्ट टू द ग्रूम. तो ब्राइड, इसमें हमको क्लियरली पता है इट्स अ शी. तो ब्राइड है थर्ड पर्सन सिंगुलर. तो उसकी जगह हम बोलेंगे शी. अब शी स्टूड नेक्स्ट टू द ग्रूम. द ग्रूम इज थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड मैस्कुलिन. तो शी स्टूड नेक्स्ट टू हिम, ऑब्जेक्ट वो प्रोनाउन. अब यहाँ हमको ये भी याद रखना है कि ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन यूज करना है. यस, थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही शी का है जेंडर, अदरवाइज जेंडर डजंट रियली कम इनटू द पिक्चर. हां, यस यस यस, अदरवाइज देयर इजंट सो मच ऑफ अ प्रॉब्लम. ठीक, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू गेट ऑन दीस थिंग्स आर फ्रॉम थर्ड. या या या, क्योंकि आई और यू वाला आसान है. हां हां, एब्सोल्युटली. एक और देखेंगे एग्जांपल, द मैन जंप्ड ऑन द फ्लोर. अब मैन क्या है, मैन इज थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन, सो वी विल से ही. और फ्लोर क्या है, फ्लोर इज थर्ड पर्सन सिंगुलर बट न्यूट्रल, इट डजंट हैव अ जेंडर. तो इट यूज करते हैं उसके जगह पे, तो ही जंप्ड ऑन इट हो जाएगा. दिस इज हाउ वी सी नाउन का क्या है, पर्सन नंबर एंड जेंडर. And pronoun also accordingly we have to use of the same person, of the same number, of the same gender. So I'll give you some sentences again and you will try to see ki kyun galat hai and how we can correct it. So your first sentence is, the girl is in his own room. So yeah, we gender wala, the object pronoun, the girl is in her own room. Her own. Yeah, yeah. So, why the subject is the girl? The girl is third person singular and feminine. But हम his बोलते हैं, his is masculine. तो उसको बदल के feminine करना. And you are right. The girl is in her own room. And again, we will change the pronoun to tally with the noun. Noun को नहीं बदलेंगे. We'll not say the boy is in his own room. Is correct. Yeah, exactly. जो subject है, noun है, उसको रहने देंगे और pronoun को बदल देंगे. Yeah, yeah. Right. Your second sentence is, the day is hot, but he is not humid. So like the day is other neutral gender, so the day is hot, but it is not humid. It. Neutral gender pronoun. It is not human. Exactly. Because he is masculine and you have languages in the world जिसमें neutral gender नहीं होता है. For example, in French, you don't have neutral gender. So even day has a gender. तो अगर ये sentence हम French में बोलते हैं तो ये correct होता है. He use करना day के लिए but not for
English. So the day is hot, but it is not humid. The third sentence, we think that it matters to we. हाँ, सो अगेन इसमें भी अब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वाला सीन है. वी थिंक दैट इट मैटर्स टू अस, वी अस, या ठीक. यस यस, सब्जेक्ट प्रोनाउन हमने लास्ट में यूज कर दिया है. इट मैटर्स टू वी नहीं होगा, इट मैटर्स टू अस. सो दिस इज हाउ वी डू दीज करेक्शंस सेंटेंस बाय सेंटेंस. स्टूडेंट शुड सी सब्जेक्ट क्या है, वर्ब के साथ अग्रीमेंट है कि नहीं उसका, और अगर प्रोनाउंस यूज हुए हैं तो प्रोनाउन और नाउन का अग्रीमेंट. एंड आई थिंक इफ यू प्रैक्टिस जस्ट अ लिटिल बिट इट शुड बी फाइन. द अदर थिंग टू रिमेम्बर इन इंग्लिश इज दैट देर आर अ लॉट ऑफ नाउन्स विच रेफर टू पीपल, बट उस पर्टिकुलर वर्ड का कोई जेंडर नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल teacher, teacher and student can refer to both male teachers, male students, female students, right? Similarly, parent, child, artist, singer, cook, driver, tailor, shopkeeper, officer, president, prime minister, all these can refer to both men and women. तो ये जो है हमको याद रखना है कि when we are using it in a sentence, तो तब हमको उसके context के हिसाब से pronoun use करना है उसके लिए. खास कर third person में. तो if we say कि Donald Trump is the president of the US, तो then we have to use he, because Donald Trump is a man. But if somewhere else the president is a woman, then you will say president is she. ये चीज याद रखनी है. देर आर लॉट ऑफ दीज नाउन्स जिसका कोई अपने जेंडर इम्प्लीकेशन नहीं है, बट जिसको वो रेफर करेगा दैट पर्सन विल ऑब्वियसली हैव अ जेंडर, एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू ही और शी यूज दैट जेंडर का प्रोनाउंस. ऐसा नहीं है कि हम सोचे कि ऑटोमेटिकली कुक है तो शी होगा, यू नो, या गार्ड है तो ही होगा, जैसे हिंदी में काफी ये है ना, जैसे हाँ हिंदी में इस तरह का है ना काफी, लाइक या देयर यूजुअली जेंडर आई फील, या नहीं वैसे, हाँ अध्यापक अध्यापिका ये सब हिंदी यूजुअली हैज जेंडर्ड वेरिएशंस फॉर दिस. हिंदी यूजुअली हैज जेंडर्ड और हिंदी में उतना प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अगेन सब्जेक्ट में जेंडर नहीं लगा. आपको तो जेंडर लगाना है वर्ब में. वर्ब के वहां पे जब तक आप ठीक है तब तक इधर आपने कुछ ज्यादा नहीं भी किया तो भी चल. बट क्योंकि इंग्लिश में सब्जेक्ट में जेंडर लगता है एंड देयरफॉर उसका जो कनेक्टेड प्रोनाउन है उसमें जेंडर लगता है, दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट हियर टू रिमेम्बर. काफी सारे वर्ड्स हैं विच रेफर टू पीपल, डेजिग्नेशन एक्सेट्रा, जो जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स हैं फॉर मेन एंड वुमेन, बोथ यू कैन यूज देम. बट जब आप प्रोनाउन लगाएंगे तब आप उसमें इट नहीं लगा सकते. दैट्स द पॉइंट. जब आप प्रोनाउन लगाएंगे तो बिकॉज इट रेफर्स टू पीपल इट विल बी ही और शी और दे एज मे बी द केस. Say. All right. So I think that's about it for. Yeah, that was another very informative session. Thank you again, and I'll see you soon then.